मिड डे मील का जहर खाने से राजस्थान में कई छात्र बीमार पड़े। भीलवाड़ा जिले के बनेडा कस्बे के सरकारी स्कूल में बच्चों को मिड डे मील में जहरीला खाना परोसा गया, जिससे 90 बच्चे बीमार हो गए हैं। जहरीला खाना खाने से 3 बच्चों की हालत गंभीर होने पर उन्हें भीलवाड़ा के अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि 50 बच्चों का बनेडा अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और 37 बच्चों को स्कूल परिसर में ही इलाज मुहैया कराया जा रहा है। उधर जिला कलेक्टर ने फौरन कार्रवाई करते हुए स्कूल के प्रधानाचार्य और पोषाहार प्रभारी अध्यापक समेत कुक को निलंबित कर दिया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय माली मोहल्ला बनेडा में मिड डे मील में जो बच्चों ने खाना खाया और उसमें छिपकली गिर करके गिरने से जो हादसा हुआ है, इसमें करीब 76 बच्चों ने खाना खाया था। उन सभी को यहाँ पर CSC बनेडा पर ले आए हैं। उनका सबका इलाज हो रहा है और बिल्कुल सभी स्टेबल हैं। एक बच्ची जो उनके पेरेंट्स पर उनके आग्रह पर, हालांकि उनकी पोजीशन तो स्टेबल थी, लेकिन वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने उसको रेफर किया है। इस मिड डे मील को पकाने में और इसमें जो कोताही जो बरती है, उसमें जो मिड डे मील इंचार्ज है दिनेश तंवर, उसको हमने सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है कैलाश चंद गर्ग, उसको भी निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही यहाँ का जो एडिशनल BEO है मिस्टर लादुराम कोहली, उसको EPO कर दिया है। यहाँ की 3 कुक हैं आशा, पुष्पा और ललिता, उन तीनों को हटा दिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है, लेकिन इस लापरवाही के लिए अभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। न्यूज़ पॉइंट।